इंडिया में मारुति कई सालों से नंबर वन ब्रांड बना हुआ है और आज भी सबसे ज़्यादा कार्स मारुति की ही बिकती हैं। मारुति सुजुकी ने वैसे कम बजट में आम आदमी को भी कार दी है, पर अब ये ऐसी अकेली कंपनी नहीं रह गई है, कम बजट में सेफ कार्स टाटा जैसी कंपनीज भी दे रहा है। हालांकि आज भी मारुति की बजट कार्स में सेफ्टी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया गया और मारुति की बजट कार्स की सेफ्टी की सच्चाई आज का ये वीडियो वापस दिखाता है। ये वीडियो मिस्टर ध्रुविल ने हमारे ईमेल पर शेयर किया था। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल के थ्रू एक्सेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं। एज पर डिटेल्स की एक्सेंट गुजरात में सिद्धपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट किया गया। गाड़ी यहाँ 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर बताई गई और वन वे लेन में चल रही थी, जिसमें गाड़ी का टायर बस्ट होना एक्सीडेंट का रीजन बताया गया, जिसके बाद गाड़ी डिसबैलेंस होकर एक डिवाइडर से टकराई। गाड़ी में 5 लोग ट्रैवल कर रहे थे जिनकी हालत काफ़ी सीरियस है। होप वो जल्द रिकवर कर जाएं। गाड़ी में इस स्पीड पर डैमेजेस देखकर आप बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा यहाँ लगा सकते हैं। सामने से गाड़ी पूरी तरह बेंड हो चुकी है और जैसे हम मेजर एक्सीडेंट्स के बाद गाड़ी के ए प्लस और केबिन इंटैक्ट होने की बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या हुआ है। गाड़ी के पिलर्स साथ में केबिन पूरी तरह खत्म है और अंदर बैठे लोगों को यहाँ मेजर इंजरीज आना पक्का है। मारुति सुजुकी जेन में यहाँ 50 से 60 किलोमीटर पर आवर के इस एक्सीडेंट में भारी डैमेजेस हैं और बिल्ड क्वालिटी का सच एक बार फिर सामने है। मारुति या कोई भी दूसरी कार कंपनीज अपनी कार्स की बिल्ड क्वालिटी में तब तक सुधार नहीं करने वाली है जब तक कस्टमर इस चीज़ की मांग नहीं करे। कस्टमर जैसी कार्स की डिमांड करेगा वैसी कार्स बनाई जाएंगी, पर गाड़ी लेने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कस्टमर को कि आपको पेट्रोल बचाना है कि खून। आपको इस एक्सीडेंट के बारे में क्या सोचना है कमेंट में बताइएगा। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम दिस मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।